हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पूर्वोत्तर रेलवे के डिप्टी CCM तरुण शुक्ला ने गोली मारकर की खुदकुशी, आत्महत्या के कारण सहित पूरे घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी दो हत्यारोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। SSP ने कहा, ताश खेलने के विवाद में मारी थी गोली, शेष अभियुक्तों की भी होगी जल्द गिरफ्तारी। पार्षद और निर्माण विभाग के मेट से हुए विवाद के संबंध में महापौर द्वारा बुलाई गई बैठक हुई विफल। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े। नगर निगम में अब हंगामे के आसार। चौरी चौरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त ने सुनी लोगों की फरियाद। लापरवाही बरतने पर विद्युत विभाग के JE और लेखपाल पर कार्रवाई के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संपूर्ण समाधान दिवस। 103 में से 7 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। DM ने कहा, जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। कैंट थाना क्षेत्र में छात्र नेता पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, बाल बाल बचे। SSP ने कहा, विवेचना के आधार पर होगी कार्रवाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के तहत प्रत्याशियों ने की नामांकन पर्चा की खरीदारी। गुरुवार को भी जारी रहेगा नामांकन पत्रों का वितरण। तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में लगने वाले मेले के दुकानदारों ने परिसर मालिक पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। DM को सौंपा ज्ञापन। वही मेले परिसर मालिक ने अपने पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर OP पांडे को शिक्षक श्री सम्मान से करेंगे विभूषित। दिग्विजयनाथ PG कॉलेज में बुधवार से आरंभ हुई छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया। पहले दिन कुल 24 प्रत्याशियों ने लिए नामांकन पत्र। 6 रोगियों की खोज के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रिजर्व पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। कान्हा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। और जायसवाल महिला समिति द्वारा किया गया रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर की मनमोहक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति।